Good morning, students. Welcome to our class. Today we will discuss about spoken English. If you are interested and want to speak English, then you have to listen the session carefully and try to practice more and more so that these words can be familiar to you and you can speak easily. इस सेशन में अपन इंग्लिश को इनिशियल स्टेज से एक भी शुरुआत से इसको कैसे सीखा जाए, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत बहुत ही बिगनिंग से करेंगे, शुरुआत से करेंगे कि भी कैसे एक जो है बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानने वाला भी हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो कैसे बोल सकता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू होते हैं और सबसे पहले जो है ग्रीटिंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब हिंदी में जिसको अपन कहते हैं अभिवादन। अभिवादन, ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है कोई फर्स्ट टाइम मिलता है तो अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेलो। जैसा कि फोन पे हमेशा यूजुअली आप बोलते ही हो, किसी का भी फोन आता है तो हेलो, द फर्स्ट वर्ड जो है ग्रीटिंग्स के लिए वो वर्ड क्या है? हेलो। ठीक है, इसके बाद देखो टाइम के अकॉर्डिंग जिस टाइम भी अपन उससे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस काम करेंगी। तो फर्स्ट देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीन्स इफ वी आर मॉर्निंग टाइम मीन्स अप टू 11:59 AM। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है कि सुबह के 11:59 तक का जो टाइम होता है इट विल कॉल्ड मॉर्निंग। सो इस टाइम अगर अपन किसी से मिलते हैं तो ये टाइम कहलाएगा मॉर्निंग, और उससे जो है हेलो, हेलो के बाद अपने को बोलना है गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद देखो गुड नून। गुड नून मीन्स एग्जैक्ट 12 o'clock इन द आफ्टरनून। दिन के समय में एग्जैक्ट 12 o'clock अगर आपसे कोई मिलता है दिन में फिक्स 12 बजे, देन यू कैन से गुड नून। ओके, आफ्टर दैट वी विल यूज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इट कैन बी यूज, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड फ्रॉम 12:01 PM टू 4 PM। अगर आप किसी से दिन में 12:01 से लेके 4 बजे तक मिलते हैं तो हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो के बाद क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एंड टुडेज नेक्स्ट वर्ड इज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीन्स द टाइम विल आफ्टर 4 PM टू नाइट। शाम को 4 बजे से लेकर किसी भी समय, रात्रि को भले 8 बजे मिल रहे हो, 10 बजे भी मिल रहे हो और आपकी मीटिंग कुछ समय के लिए चलेगी, then you can use hello, good evening, hello, good evening, is it clear? अब देखो, तो अगर आप रात को 8 बजे या 10 बजे भी good evening का करोगे तो फिर good night का use कब करोगे? That is the point. So good night and good day, good day.
हेलो, गुड नाइट। गुड नाइट मीन्स अपन शाम के समय, रात के समय बिछड़ रहे हैं, उससे जा रहे हैं, उसके बाद अपना वापस मुलाकात नहीं होगी। देन वी यूज गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। इसके साथ एक और जोड़ सकते हैं, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स। ओके, देन गुड डे का यूज कब करेंगे? दिन के समय कोई अपने पास से कहीं जा रहा है, देन वी विल यूज गुड डे। गुड डे, हैव ए नाइस डे, ये भी कह सकते हैं अपन, हैव ए नाइस डे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, हैव ए नाइस डे। और अगर कहीं से अपन जा रहे हैं, देन वी कैन यूज सी यू, बाय, गुड बाय, बाय, सी यू। ये शब्द जो है क्या कहलाते हैं? ये शब्द जो है हम वहां से क्या कर रहे हैं, बैड यानी कि विदा ले रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, उस सिचुएशन को शो करेंगे। सो अगर कहीं से जा रहे हैं आप, बाय, सी यू, सी यू का मतलब फिर मिलेंगे। तो हमेशा जो है इस वर्ड का यूज करें, बी होपफुल, कि भी हमेशा कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे कोई न कोई वापस जरूर मिलेगा। तो इसी आशा के साथ यही वर्ड यूज करें, सी यू। भले ही वो आपसे आपका अननोन है या कोई साथ में कलीग है, वो भी अगर ट्रांसफर होके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी चला गया, दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में है, फिर भी अपन सी यू का यूज करें कि भी फिर मिलेंगे। बी होपफुल, हमेशा आशावादी बने रहें। मैं एक बार फिर से क्विक रिपीट कर लेता है। देखो, सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? हेलो, हेलो, हमेशा फोन पे जैसे बोलते हैं हेलो। उसके बाद देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नून, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, स्वीप वेल, स्लीप वेल, गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय, सी यू, बाय, सी यू, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है किसी यात्रा पे, देन यू कैन यूज दिस वर्ड, हैप्पी जर्नी, यानी आपकी यात्रा सुखमय हो, हैप्पी जर्नी। ओके, या हैव ए नाइस जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी, हैप्पी जर्नी और हैव ए नाइस जर्नी, दोनों ही शब्द यूज कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस वर्ड का यूज करें। ओके, हैप्पी जर्नी और नाइस, हैव ए नाइस जर्नी। इसके बाद देखो, कुछ वर्ड्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। प्लीज, प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज गो विद मी। दीज आर द सेंटेंसेस वेयर वी रिक्वेस्ट समवन टू हेल्प अस, कोऑपरेट अस।
तो उस कंडीशन में अपन वर्ड बोलते हैं प्लीज। प्लीज का यूज कब करते हैं? जब किसी से कुछ फेवर मांग रहे हैं, कोई मदद मांग रहे हैं, किसी से कुछ उसका सपोर्ट चाह रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के सेंस में प्लीज डू इट फॉर मी, कृपया मुझ मेरे लिए ये चीज करें आप। प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर एटसेट्रा। तो वहां जो है कि भी कृपया ये चीज करें, रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का यूज करेंगे। इज इट ओके? देन नेक्स्ट वर्ड वी कैन यूज थैंक्स अलॉट। थैंक्स अलॉट। देखो अब आपने किसी से बोला प्लीज गिव मी ए पेन, अब उसने जो है आपको पेन दिया, आपको वापस क्या बोलना है? थैंक्स अलॉट या थैंक यू, थैंक यू और थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट और थैंक यू। ओके, इसके बाद देखो अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, गलती करते हो, देन वी यूज सॉरी, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी मीन्स क्या है? आई एम सॉरी यानी कि मुझसे गलती हो गई। सॉरी मीन्स गलती होना। अब देखो प्लीज आप कोई भी काम करता है तो उसको थैंक्स अलॉट या थैंक यू बोलना है, बट अगर आपको कोई थैंक यू बोले, आपने किसी की हेल्प की, आपको वो थैंक्स अलॉट या थैंक यू बोलता है तो क्या बोलना है? इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर और वेलकम। इट्स माय प्लेजर, या तो आप बोलिए इट्स माय प्लेजर या आप बोलिए वेलकम। इट्स माय प्लेजर और वेलकम, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसका यूज किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड सॉरी, यानी कि अगर आप किसी से अपनी किसी को आपने हर्ट किया है, ठेस पहुंचाई है, किसी को कोई ऐसी बात बोल दी जिससे उसको बुरा लगा या वो नाराज हो गया, और अब जो है आप अपनी आपको रियलाइज हुआ कि भी मैंने गलत काम कर दिया या ये चीज मेरे से गलत हुई है, और उसके बाद जो है अपनी गलती को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और सामने वाले को जाके बोलना क्या है? सॉरी, सॉरी, सॉरी मीन्स आई एम सॉरी। देखो सॉरी बोलोगे सामने वाला क्या बोलेगा? इट्स ओके, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं, या दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके या दैट्स ऑल राइट, ये भी जो है यूज कर सकते हो। जब कोई सॉरी बोले तो भले आप बोल रहे हो तो सामने वाला बोलेगा इट्स ओके और दैट्स ऑल राइट, या आपको कोई सॉरी बोलता है तो आपको वापस ही बोलना है ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके या दैट्स ऑल राइट। ओके, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज वर्ड्स, इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स, सो नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, फाइंड समवन, टेल दीज वर्ड्स टू समवन एंड प्रैक्टिस योर सेल्फ, बी अलर्ट and definitely you can speak English. With this hope, today's session, we will complete today's session. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.